हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बॉयल्ड एग भुर्जी बनाएंगे। तो भुर्जी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये हमने एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, एक टमाटर को काट कर ले लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने और अदरक, इन दोनों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। मसाले में हमने ये आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ली है हमने। ये हमने 5 अंडे को उबाल कर ले लिया है। ये एक कढ़ाई लिया है हमने, इसमें 2 चम्मच तेल डाला है गर्म होने के लिए। तेल अब गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा भुन गया है, इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। प्याज डाल देंगे हम और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया है तो हम इसमें हरी मिर्चों को डाल देंगे और अदरक को डाल देंगे। अदरक को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक भी हमारा भून गया है, इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ ही साथ हम नमक को डाल देंगे जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है तो बाकी के मसाले हम इसमें डाल देंगे। गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कूटी हुई काली मिर्च और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। मसाला जब तक हमारा पक रहा है, अंडे को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, अंडे को भी हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम अंडे को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आंच पे मसालों के साथ हम अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडे को हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। तो हमारा बॉयल्ड एग भुर्जी बनके तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे। इसके ऊपर से आप चाहें तो धनिया का पत्ता डाल के गार्निश कर लें। इसको गर्मा गर्म आप पाव के साथ या फिर रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करें। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।